गुड लक मेट्स। हेलो दीदी के गुड लक के साथ हम प्लेन में घुस जाते हैं। चारों लोग, चारों रैंडम होते हैं। इट इज शो टाइम। मुझे पता नहीं होता कि कौन कैसे खेलता है। मुझे इनवाइट आता है बट मैं उसे डिक्लाइन कर देता हूँ और मिड्स टीम यहाँ पर मार्क लगाया है वहाँ पर उतरने के लिए रेडी हो जाता हूँ। मेरा नाम देखते ही मैं कूद जाता हूँ और मिड्स टीम की तरफ बढ़ जाता हूँ। मिड्स टीम के पास उतरते ही मेरे को दो लोग के दो स्प्लिट में एक स्क्वाड दिखती है तो मैं आखिरी वाले घर में घुसने की कोशिश करता हूँ। लैंड करते ही थोड़े बाजू में मेरे से गलती हो जाती है। मैं घर के वहाँ जाता हूँ तो मुझे एक बॉट नज़र आता है। फिर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसे फिर से ख़त्म करना चाहिए जो मैं कर देता हूँ। देखते ही देखते मेरा दूसरा टीममेट नॉक हो जाता है और फिनिश भी हो जाता है शॉटगन से। बट मैं सक्सेसफुली घर के अंदर घुस जाता हूँ। पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझ पर रश होने वाला होता है मेरे फुटस्टेप्स की वजह से, बट देन टर्न्स आउट कि उन्हें नहीं पता होता है कि मैं यहाँ पे हूँ या फिर वो रश नहीं करना चाहते। फिर मैं यहाँ पे वेस्ट लेवल 1 की वेक्टर और UMP-45 की एमो उठाता हूँ और फिर देखता हूँ कोई और गन के लिए। फार्म हाउस से स्विच करने का मेरा मन नहीं करता क्योंकि मुझे ये दो गन ज़्यादा बेटर लगती है। मैं मेडिकेट उठाता हूँ और पीछे के दरवाजे से बाहर जाता हूँ और थोड़ी देर वहाँ पे वेट करता हूँ पोजीशन पे। तो मुझे पता चल जाता है उनकी फायरिंग से कि वो लोग कहाँ हैं। थोड़ी देर में मुझे दिखता है एक बंदा पीछे से आ रहा होता है और मैं अपने वेक्टर की 19 बुलेट से उसे खाली करके नॉक करके देखते देखते फिनिश करता हूँ। उसे लूटता हूँ और लूटने के बाद रेड जोन में तो होता हूँ। फिर मैं घर जाता हूँ। यहाँ पे मेरी एक गलती होती है कि मैं अंदर की तरफ से जा रहा होता हूँ और जैसे ही मैं पास पहुँचता हूँ मेरे पे सारे बुलेट्स मुझे खाली कर देती है और नॉक कर देती है। तो मैं यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि कोई तो आएगा बट देन टर्न साउंड कि मेरे आसपास मेरा कोई टीममेट नहीं होता। तो मैं सोचता हूँ कि घर के अंदर तो जाओ एटलीस्ट। जैसे मैं उसके पास जा रहा होता हूँ वो फायरिंग से पूरी पूरी दरवाज़ा फोड़ देते हैं और घुस जाते हैं मेरे पे और मुझे फिनिश कर। थोड़े टाइम में मेरा एक छोटा टीममेट हमें रिकॉल करने के लिए पहुँचता है। रिकॉल करता भी है और रिकॉल हो जाता हूँ मैं और फिर मैं वहीं पे ओल्ड प्लाजा के वहाँ कूद जाता हूँ। अभी मुझे सर्वाइव करना होता है तो मैं ओल्ड प्लाजा के वहाँ कूदता हूँ और कूदते मुझे एक AKM मिलती है और फिर भी मैं क्रेट खोलने जाता हूँ और उसमें भी AKM होती है। यहाँ पे मैं एक पेन किलर लेता हूँ, हेल्थ किट उठाता हूँ और यहाँ पे बॉट आते हैं तो AKM से खाली कर देता हूँ। वैसे भी मेरा AKM का मिशन होता है तो मैं AKM छोड़ना नहीं चाहता। तो उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ी देर रुकता हूँ, एग्जामिन करता हूँ, मैप से मार हटाता हूँ और फिर यहाँ पे एक जल्दी वाले रखा हुआ और मेरे टहलते टहलते वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं। एक और फर्स्ट एड किट, एक और क्रेट खोलता हूँ। M762 नहीं चाहिए होती, AKM बेटर लगती है मुझे। ऐसे ही मैं एक राउंड मार के वापस ओल्ड प्लाजा को एक्सप्लोर करने अंदर आ जाता हूँ और फिर यहाँ पे मैं बाहर आता हूँ। मुझे क्यों तो ऐसा लगता है कि वहाँ पे कोई होगा तो फिर मैं एक राउंड मारता हूँ और फिर ओल्ड प्लाजा पे वेट करता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि रिकॉल करने कोई ना कोई तो आ ही जाएगा। मैं थोड़ा घूमता हूँ, बाहर जाता हूँ साउथ ईस्ट की तरफ। मुझे ऐसा लगता है कोई आ रहा होता है तो पर मुझे कोई दिखता तो है नहीं। मैं थोड़ी देर वहाँ पे वेट करता हूँ और फिर वापस ओल्ड प्लाजा के अंदर आ जाता हूँ। जैसे मैं ओल्ड प्लाजा के अंदर आता हूँ मैं ज़रा रिकॉल के वहाँ पे रुक के देखता हूँ कि तभी ही मेरा दूसरा टीममेट वापस से नॉक हो जाता और फिनिश भी हो जाता है। बट मुझे याद नहीं होता कि उसको रिकॉल नहीं किया जा सकता। फिर मुझे पता चलता है कि वो रिकॉल नहीं हो सकता तो मैं वापस यहाँ पर आता हूँ। तब तक मेरे चौथे नंबर के टीममेट ने M24 से एक किल निकाल ली पानी में।
तो फिर मैं यहाँ पे ज़रा देखता हूँ कि कहीं नीचे कोई और बच के उससे यहाँ आया ना हो, जो नहीं आया हो। तो देखते हैं यहाँ पे एक भाई साहब ने एक कम फुल लेट के चलाने की कोशिश की और देखते देखते नॉक हो गए। बाजू में एक और फायरिंग आती है बट मैं किल सिक्योर करता हूँ और फिर आगे बढ़ता हूँ। और यहाँ से बाहर आते मुझे दिख जाता है मेरे एकेएम के स्प्रे से वो खाली भी हो जाता है। मुझ पर तभी फायरिंग होने लग जाती है, फिर मैं देखता हूँ अपना हेल्थ मुझे बहुत कम गा रहता है। तो मुझे रियलाइज़ होता है कि ये पॉट है, तो मैं थोड़ा राइट से आता हूँ और फिर मैं एकेएम से पूरी की पूरी ख़त्म कर देता हूँ। इस पॉइंट तक मेरे पास 7 किल्स हो जाते हैं और अभी भी 13 बंदे बचे हुए होते हैं। तो उसके बाद थोड़ी देर हम ओल्ड प्लाजा के वहाँ पे ही थोड़ी देर और वेट करते हैं जोन का आने का। और फिर मैं यहाँ पे कुछ क्रेट्स मिस आउट किया रहता हूँ तो उन्हें लूटता हूँ और UMP से अपने स्कारल को स्विच करता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि स्कारल से क्यों स्विच किया UMP? हाँ, UMP बेस्ट गन होती है, मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट गन है UMP। बट मेरा स्कारल का मिशन रहता है जो मैं सोचता हूँ कि अगर गन हाथ में होगी तो हो सकती है। एट द सेम टाइम AKM का भी मिशन पेंडिंग था तो मैं AKM और स्कारल ये दो गन के साथ यहाँ पे थोड़ा घूमता हूँ और यहाँ पे 7 KMO उठाता हूँ। जोन बन जाता है ओल्ड प्लाजा से दूर, तो मुझे ओल्ड प्लाजा को छोड़ना पड़ता है जहाँ पे मेरे 4 किल्स आगे सिक्योर हुए थे। और फिर मैं एक मस्त सा कोल्ड ड्रिंक पी के निकल जाता हूँ जोन की तरफ। जोन की तरफ बढ़ते बढ़ते मुझे पता चलता है कि 4 नंबर मेरे बहुत ज़्यादा करीब होता है और उसके फुटस्टेप्स मुझे बहुत ज़्यादा से परेशान कर रहे होते हैं, तो मुझे आजू बाजू में फोकस करने का भी मुश्किल हो रहा था। और यहाँ पर मुझे एक ड्रॉप दिख जाता है, तो ड्रॉप के पास जाना खतरे से खाली नहीं होता और मुझे अपने टीम मेट से बिल्कुल भरोसा नहीं, क्योंकि रैंडम्स के साथ जब आप खेलते हो तो आप रिवाइव बहुत कम होते हो। कमेंट करके बताओ आपका कोई रैंडम प्लेयर्स के साथ ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगा हो और एकदम ज़्यादा हेल्पफुल टीममेट्स मिले हो। मेरा तो बहुत कम है भाई। तो मैं इस घर के अंदर आता हूँ, लेवल 3 का वेस्ट उठाता हूँ, ऊपर जाता हूँ, थोड़ा और लूटता हूँ और अराउंड नॉर्थ वेस्ट की तरफ मैं एक बार स्कोप खोल के देखता हूँ कि कुछ ना कुछ तो हो रहा होता है वहाँ पर। और उसके लिए 4X में स्कारल पे लगाता हूँ और मुझे कोई नहीं दिखता वहाँ पर। तो डिसअपॉइंटेड बाई दैट मैं वहीं पे थोड़ा और देखता हूँ, अंडे रुकता हूँ। जैसे ही पीछे आता हूँ एक कॉल आता है 3 नंबर से और मैं वहाँ पर वापस देखता हूँ, मेरा एंगल्स नहीं होता उसे मारने का। फिर मैं दूसरे विंडो से पीक करके देखता हूँ कि वहाँ पर कोई मिला क्या मुझे, वहाँ से भी कोई मोमेंट हो या कुछ, कोई नहीं होता। तो फिर मैं उसे भी वहीं पर ड्रॉप कर देता हूँ और फिर जोन बन जाता है और फिर मुझे जोन के निकलना होता है। थोड़ा सा दवा गोली पेन किलर्स लेके हम टायर थोड़ा सा स्कोप वगैरह लगाते, थोड़ा सेफ्टी मेजर्स लेते कि वहाँ से भी पड़ सकती है जोन भी जाते हुए, वहाँ पे कोई होता नहीं है। AKM को हाथ पे लेके मैं जोन की तरफ निकल जाता हूँ। AKM इसलिए हाथ में मैंने लिया क्योंकि स्कारल से कंपेरेटिवली AKM जो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आते हम थोड़ा थोड़ा सा पेन किलर्स लेते हैं। पेन किलर्स लेने के बाद थोड़ा आजू बाजू पत्थरों में स्कोप वगैरह खोलते हैं और देखते हैं कोई है क्या, जस्ट टू चेक, क्योंकि वहाँ पे कोई होता तो है नहीं। वापस से AKM हाथ में एंड सोचता हूँ कि ये कंपाउंड एंटर कर लूँ और मैं ये कंपाउंड को ले भी लेता हूँ। दरवाज़ा खुला होता है, थोड़ा सा सेफ्टी के साथ मैं देख देख के ऊपर जाता हूँ, अपने ट्रिगर जो है उसे एकदम हाथ पे एकदम कस के पकड़ के निकल जाता हूँ। मुझे ऐसा एक पीक दिख जाता है तो फिर जैसे मैं स्कोप खोलता हूँ तब तक वो हम पे आ गए होते हैं और फुटस्टेप्स आने लग गए। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि फुटस्टेप जैसे दिख गए तो मैंने AKM हाथ में ले ली और बेड के ऊपर चढ़ गया स्प्रे देने के लिए। टर्न्स आउट मेरा 4 नंबर बहुत ज़्यादा हिलने लगता है, तो फिर दोनों के दोनों मेरे घर पे आ जाते हैं। फिर मैं नीचे एक नेड कर देता हूँ। आई डोंट नो इफ इट वाज अ गुड मूव और नॉट, कमेंट करके बताओ कि मेरा नेड करना सही था या नहीं। उनका भी एक नेड आ गया, उनके किसी एक बंदे से मेरा बंदा नॉक फिनिश हो गया एंड इट्स मी एंड नंबर 3 अलाइव। दो
मैं स्प्रे देता हूँ एक को नॉक, दूसरे को बहुत घायल करता हूँ अपने एक टाइम से, और यहीं पर नॉक फिनिश हो जाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है तीन नंबर भी रश करेगा, बट वो नहीं करता, वो फिर जाता है, दो को नॉक करता है, बट एट दी एंड फिनिश हो जाता है। दिस इज़ द मैच, हैशटैग 2 out of 16 हम आते हैं और मुझे मिलता है ट्रिपल एलिमिनेशन दो बार।